मैं आज आपके सामने INS हमला के कुछ मूलभूत यादों को दिखाने आया हूँ। यूनिट को 15 जनवरी 1946 को HMIS हमलावर के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उसी समय के कंबाइंड ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर, जिसको लैंडिंग क्राफ्ट विंग भी कहते थे, के रूप में कमीशन किया गया। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत कुछ समय के लिए यहाँ पर बॉयज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को भी स्थापित किया गया। समय की मांग को देखते हुए और नौसेना के कार्यभार को सही दिशा देने के लिए कोची के कुकरी स्कूल को नवंबर 1953 में और सप्लाई एंड सेक्रेटेरिएट स्कूल को जनवरी 1954 में नियमित किया गया। साथ ही 6 जनवरी 1954 को इसको रिकमीशन करते हुए इसे INS हमला की संज्ञा दी गई। स्थापना की पहली कमान संभालने का सौभाग्य कमांडर TR सिंह को मिला। INS हमला क्रेस्ट, जिसमें समुद्र से जागृत होने वाली 5 तलवारें लैंडिंग क्राफ्ट से निकलने वाली सैनिक टुकड़ियों का सांकेतिक रूप है, जो कि युद्ध घोष करते हुए हमला करते हैं। INS हमला के आदर्श वाक्य का अर्थ है, जो ईमानदार और समर्पित है वही ज्ञान प्रार्थी है। वर्तमान काल के 5 तलवारों को संभार तंत्र द्वारा एक बार फिर गढ़ा गया, जो कि लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एंड केटरिंग के 5 अलग अलग विषयों को दर्शाता है। INS हमला की भूमिका सभी 3 सेनाओं, भारतीय तटरक्षक, मित्रवत विदेशी नौसेनाओं और नौसेना के असैनिक कर्मियों को प्रशिक्षित करना है और उनमें नेतृत्व और स्पिरिट डिकोर के गुण पैदा करना है। सैतालीस सप्ताह की अवधि के लॉन्ग लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्स का उद्घाटन 7 सितंबर 1981 को वाइस एडमिरल MP अवधि, वीर चक्र, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1979 को लॉजिस्टिक्स काडर के निर्माण के परिणाम स्वरूप डायरेक्ट एंट्री अधिकारियों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई। सितंबर 1991 से फरवरी 1992 तक हमला में 5 अधिकारियों को शामिल करते हुए पहला सब लेफ्टिनेंट लॉक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। 18 जून 1990 को तत्कालीन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा अत्याधुनिक केटरिंग उपकरणों के साथ वर्तमान स्थल पर नए केटरिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। युवा शेफ्स को परीक्षण देने हेतु बेकरी सहित चाइनीज, इंडियन और कॉन्टिनेंटल जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लिए अलग अलग गैली बनाई गई थी। यूनिट को सितंबर 2018 से ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केटरिंग के रूप में नामित किया गया है, जिसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के कर्मियों को केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में उनके नौसेना समकक्षों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। पूर्ववर्ती कंप्यूटर स्कूल, जो 2 डेस्कटॉप कंप्यूटरों के साथ शुरू हुआ था, आज नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें मल्टीमीडिया किट और अन्य हार्डवेयर के साथ 110 से अधिक अत्याधुनिक कंप्यूटर हैं। हमला में वाटरमैनशिप एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर को वर्ष 2002 में यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संबद्धता प्रदान की गई। हमला को अप्रैल 1968 में सिक बे का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का स्वागत करने का भी गौरव प्राप्त है। INS हमला पिछले 7 दशकों से प्रशिक्षण को सर्वोपरि रखने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है और इस उपलक्ष्य में अनेक परियोजनाओं को फलीभूत किया गया है। एक विनम्र शुरुआत, जहां थल सेना से उधार लिए गए टेंट बेसिक और डिविजनल प्रशिक्षुओं के लिए उपयोग किए जाते थे, इस महान संस्थान का विकास और समेकन हर तरह से एक सफलता की कहानी है। वर्तमान समय में हमला प्रतिवर्ष लगभग 5000 सैनिकों के प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, जिसके लिए हमला ने बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कार्यालयों का निर्माण किया। हमला में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लगातार बढ़ी है। इसके अलावा हमला अग्निवीर रंग रूटों के संबंध में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना में वाटरमैनशिप ट्रेनिंग, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, जिम्नेजियम,
हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट आदि शामिल हैं। INS हमला संभार तंत्र प्रशिक्षण प्रदान करने की भूमिका के अलावा नौसेना मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक टीम का घरेलू आधार भी है। नेवी जिम्नास्टिक टीम ने INS हमला में आयोजित लगातार 13वीं बार 48वीं इंटर सर्विसेज जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। केवल 3 मिनट की बाउट एक छोटी अवधि लगती है, लेकिन मुक्केबाज के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण रिंग के अंदर उन 3 मिनटों के दौरान घटित होते हैं। हमला भारतीय नौसेना की मुक्केबाजी टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन और नौसेना को सम्मान दिलाने के लिए प्रशिक्षित करता रहा है। हमला के इतिहास में वास्तव में यह एक गर्व का क्षण था जब स्वर्गीय टिंकू सिंह MCPO को 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। इसके अलावा एम सुरंजय सिंह MCPO PT को वर्ष 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें लिटिल टाइसन के नाम से भी जाना जाता है। प्रशिक्षण फ्लीट रेडी लॉजिस्टिक्स बनाने का आधार है, जो न केवल आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त है, बल्कि एक उत्तरदायी रवैया भी है। INS हमला ने हमारी नौसेना की गतिशील रूप से विकसित रसद आवश्यकताओं और सक्रिय ऑफलॉग समर्थन संरचना बनाने के लिए अधिकारियों और नाविकों को निरंतर परीक्षण प्रदान किया है। इसकी स्थापना के बाद से आतिथ्य, खानपान, प्रबंधन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ प्रमुख संस्थानों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन अर्थात MOU हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें प्रधान ज्ञापन निम्न प्रकार है। लॉन्ग लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्स में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के पुरस्कार के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्धता है। IT मैनेजर कोर्स के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे से संबद्धता है। स्टीवर्ड के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विसेज और शेफ्स के लिए फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट हेतु NCHMCT नोएडा से संबद्धता है। इसके अतिरिक्त कैलोरी आधारित मेन्यू तैयार करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के साथ और कौशल विकास के लिए वेस्टर्न इंडिया कलिनरी एसोसिएशन से संबद्धता है, और हाल ही में FSSAI के साथ मिलकर ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन के लिए युद्ध पोतों को प्रशिक्षण और प्रमाणित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। शारीरिक प्रशिक्षण सैन्य संस्कृति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। शारीरिक फिटनेस का कर्मियों की मुकाबला तत्परता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमला खेल सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। हमला कई प्रकार के नौकायन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है, जो देश भर से कुशल हेल्समैन को आकर्षित करती है। प्रशिक्षुओं के बीच स्प्रेड द कॉव विकसित करने के लिए इंटर डिविजनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नियमित आधार पर आयोजित की जाती है। इसके अलावा परेड, योगाभ्यास, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। प्रशिक्षुओं की दिनचर्या के रूप में यह शरीर, मन, चेतना और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए समग्र प्रभाव डालता है। INS हमला के बुनियादी प्रशिक्षु नाविकों के लिए 4 दिनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर की गतिविधियों में कष्टदायी रूप से लंबे पैदल मार्च, भीषण धीरज रन, टेंट पिचिंग अभ्यास और विभिन्न कार्य शामिल हैं। प्रशिक्षुओं का नेतृत्व अधिकारी और मंडल प्रमुख करते हैं, जो प्रत्येक प्रशिक्षु में उच्च स्तर का व्यक्तिगत गौरव, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। ।1971 के युद्ध के बाद प्रशासनिक और प्रशिक्षण ब्लॉक के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका के रूप में युद्ध स्मारक बनाया गया था। उस पर सप्लाई एंड सेक्रेटेरिएट शाखा के अधिकारियों और नाविकों के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान खुकरी पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रशासनिक ब्लॉक के लिए 2003 में की गई प्रमुख मरम्मत के परिणाम स्वरूप पट्टिका वर्तमान में परेड ग्राउंड में है।
1962 और 1971 के युद्धों और विभिन्न अन्य अवसरों के दौरान विशिष्ट बहादुरी और अनुकरणीय नेतृत्व कौशल के प्रदर्शन के लिए लॉजिस्टिशियंस को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 2 वीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 1 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 3 जीवन रक्षा पदक सहित 12 नौसेना शौर्य पदक शामिल हैं। INS हमला के लोगों के लिए यह बहुत गर्व का क्षण था जब स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक तिवारी को 2017 में माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह करने के लिए नौसेना पदक से सम्मानित किया गया था। INS हमला को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयास के लिए 4 दिसंबर 2021 को नौसेना अध्यक्ष द्वारा यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया। हमारे अतीत और वर्तमान नेतृत्व के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को एक सूत्र में बांधते हुए 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के मूल्यों को दार्शनिक रूप से एडमिन एंड ट्रेनिंग ब्लॉक के मस्तक पर कला चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इस वर्ष INS हमला ने नौसेना और राष्ट्र की सेवा में 69 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे किए। टीम INS हमला अपने आदर्श वाक्य श्रद्धावान लभते ज्ञानम को जीने के लिए पूरे समर्पण के साथ और भी कठोर परिश्रम करने का संकल्प लेती है। जय हिंद, शानो वरुणा।